उज्जैन साहिबा टीम और पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई से आज उज्जैन पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। खाच रोड नागदर क्षेत्र में हो रही अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी को लेकर उज्जैन पुलिस का ध्यान आकर्षित हुआ। उज्जैन पुलिस कप्तान सतेंद्र कुमार शुक्ला को 29 दिसंबर की करीब मुखबिर से सूचना डायरेक्ट मिली। उन्होंने जीरो ग्राउंड पर सिटी एडिशनल एसपी अमरिंदर सिंह, ग्रामीण एडिशनल एसपी आकाश पुरिया को कार्रवाई करने को लेकर बोला। दोनों एडिशनल एसपी द्वारा अलग से अपनी टीम गठित कर ग्राउंड जीरो की जांच के उपरांत कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया। लगातार एडिशनल एसपी की टीम निगरानी करती रही और आरोपियों को गिरफ्तार करने में अच्छी सफलता हासिल की है। तहलका इंडिया न्यूज के लिए जगदीश परमार की रिपोर्ट। सर उज्जैन में पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है, किया जाए कि काफी प्रशंसा लाए कि काफी दिनों के बाद इतनी बड़ी कार्रवाई मादक पदार्थों को लेकर रही है, क्या एक्टिविटी रहेगी और नशे को लेकर क्या संदेश रहेगा? हमारे पास ये लगातार सूचनाएं प्राप्त हुई थी और इसमें हमने एक डेडिकेटेड टीम लगाई थी जो इनके पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश कर रही थी और पिछले 15 से 20 दिनों में इन लोगों ने इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश की और इसी आधार पे हमको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई थी और उस सूचना के आधार पर हमने एक क्रेटा गाड़ी को इंटरसेप्ट किया जिसमें दो लोग, एक जो महाकाल क्षेत्र का जो सप्लायर है, दूसरा जो खाचरौद क्षेत्र में जो व्यापारी है, वो दोनों ही हमको मिले जिसमें से हमने 71 kg गांजा सीज किया। और जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी उसी के आधार पर हमने उस लोगों से जब पूछताछ की तो हमें 3 और भी ठीहे मिले जिसमें से एक जगह से 53 kg, दूसरी जगह से 20 kg और एक जगह से 2 kg पकड़ा गया है। और उसी सूचना पर कल भी एक दबिश दी गई है जिसमें झाड़ा में भी किया है। इस तरह से कुल अभी तक 5 जगह दबिश दी गई हैं और टोटल 1 क्विंटल 46 किलो और 100 ग्राम के आसपास गांजा हमने जब्त किया है जिसमें एक क्रेटा गाड़ी, एक ओमनी गाड़ी और एक मोटरसाइकिल सहित अपने 6 आरोपी इसमें गिरफ्तार हैं। सर हम इसकी बात करें तो शहर से खेत खलिहान की ओर अग्रसर हुई है, तो आगे किस प्रकार की कार्यवाही देखने को नजर आएगी? नहीं, निश्चित तौर पे जो नेटवर्क है उसके तह तक जाने की कोशिश थी, हमने काफ़ी उसमें मेहनत की है और हमारी टीमें लगातार उस पर काम कर रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि और भी बेहतर परिणाम आगे सामने मिलेंगे। गिरफ्तार आरोपियों के तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं? अभी ये तो लोकल जो चैनल है ऑलमोस्ट एक्सपोज है जिसमें महाकाल थाने का जो मेन सप्लायर है और बाकी व्यापारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन कर रही है और ऊपर से ये कहाँ से लाते हैं ये हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। अन्य माफियाओं को लेकर क्या एक्टिविटी? लगभग सभी फ्रंट पे काम चल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नशा माफिया हो चाहे अन्य किसी तरह के सामाजिक अपराधों के हों और जो सूदखोरी वाले हों, हमें सभी पे लगातार कार्रवाई चल रही है। सर पुलिस ने इतनी अच्छी कार्रवाई की है, काफ़ी समय बाद इतनी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, प्रशंसा लायक है, कुछ इनाम? नहीं, निश्चित तौर पर हमारे स्तर पर इनको इनाम दिया जाएगा और चूंकि ये कार्रवाई बड़ी है तो मैं अजी साहब के पास भी इसका प्रतिवेदन भेजूंगा और हमारी जो टीम है जिसमें इसमें काम किया है उनको उचित पुरस्कार दिया।